वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज और अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन, गूगल ने इल्जाम लगाया है कि भारत के अदम एतमाद का इदारा यूरोपी हुक्मरानों से कॉपी पेस्ट किया गया है। नए मुतासरीन को धोखा देने के लिए हैकर्स चोरीशुदा बैंक की मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिनोलॉजी VPN राउटर्स में ज्यादा से ज्यादा शिदत के खतरे को ठीक करती है। गूगल ने $1,000 स्मार्ट स्पीकर बग बाउंटी अदा किया। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहिए वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज, खबरें तफसील के साथ। गूगल ने इल्जाम लगाया है कि भारत के अदम एतमाद का इदारा यूरोपी हुक्मरानों से कॉपी पेस्ट किया गया है। अक्टूबर में मुसाबकी कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने ऑनलाइन सर्च और एंड्रॉइड ऐप स्टोर जैसी मार्केटों में अपनी गालिब पोजीशन का इस्तेमाल करने पर गूगल को $161 मिलियन का जुर्माना किया। गूगल अब इस्तेदलाल करता है कि CCI की तहकीकात में यूरोपीय कमीशन के फैसले से कॉपी पेस्ट करने के 50 से ज्यादा वाकयात हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में शाहिद की जाँच नहीं की गयी। एक हिंदुस्तानी एप्पल ट्रिब्यूनल में अपनी फाइलिंग में गूगल ने दावा किया है कि कमीशन गैर जानबदाराना, मतवाजन और कानूनी तौर पर दुरुस्त तहकीकात करने में नाकाम रहा। नए मुतासरीन को धोखा देने के लिए हैकर्स चोरीशुदा बैंक की मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्यूएलएस ने हालिया फिशिंग हमलों में लालच के तौर पर कोलंबिया के चोरीशुदा बैंक रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करने वाले धमकी अमेज अदाकारों को दरियाफ्त किया है कि क्यूएलएस को 41,800 से ज्यादा चोरीशुदा बैंक रिकॉर्ड्स के सबूत मिले, लेकिन डार्क वेब पर मालूमात के इश्तराक का कोई असर नजर नहीं आया। इसके बजाय हमलावर एक एक्सेल ईमेल फाइल अटैचमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैंक डाटा मौजूद है। एक माइक्रो को शुरू करने के लिए जो बिलाकर बिट ट्रैक के नाम से जाना जाता मालवेयर को चलाता है। बिट ट्रैक डाटा चोरी करने, असनाद की कटाई, माइन क्रिप्टो करेंसी और इजाफी बाइनरीज डाउनलोड करने के लिए फंक्शनैलिटीज की एक वसी रेंज के साथ आता है। सिनोलॉजी VPN राउटर्स में ज्यादा से ज्यादा शिदत के खतरे को ठीक करती है। ताइवान में कायम नेटवर्किंग और स्टोरेज हल फ्राहम करने वाले सिनोलॉजी ने अपनी मसनूआत में मसाइल से मुतल्लिक दो हिफाजती मशवरे जारी किए हैं। पहली एडवाइजरी, 10 में से 10 सिक्योरिटी 10 सिवर्टी रेटेड बग के बारे में इंतबाह करती है, जिसे CVE-2022-4393-1 के तौर पर ट्रैक किया जाता है, जो कि एक रिमोट हमला आवार को अपने VPN प्लस सर्वर में स्वाभिदीती अहकामात पर अमल दरामद करने की इजाजत देता है। दूसरी एडवाइजरी, सिनोलॉजी रूटर मैनेजर SRM को मुतासिर करने वाले मुतईद वूनल्स को वजाहत करती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्म के राउटर्स को ताकत देता है। इन खामियों की दरियाफ ZDI ट्रन माइक्रो जीरो डे इनिशिएटिव के जरिए मुतईद अफराद को दी गई। इससे पता चलता है कि दिसंबर में पॉन्टून टर्नोटो 2022 हैकिंग मुकाबले में इन वूनल्स की निकाबकुशाई की गई थी। गूगल ने $1,000 स्मार्ट स्पीकर बंग बाउंटी अदा किया। सिक्योरिटी रिसर्चर मेट कुंजे ने गूगल होम मिनी स्मार्ट स्पीकर में दरियाफ्त करता वूनल्स का फायदा उठाया है। कुंजे ने दरियाफ्त किया है कि एक हमलावर लिंक करने के अमल में छेड़छाड़ करके गूगल होम एप्लीकेशन के बगैर किसी अकाउंट को स्मार्ट स्पीकर से लिंक कर सकता है। वहाँ से हमलावर और इंटरनेट पर डिवाइस को रिमोट कमांड भेजने, माइक्रोफोन तक रसाई हासिल करने और वाईफाई पासवर्ड को मुमकिन तौर पर जाहिर करने या दिगर अला तक रसाई के लिए स्वाभिदीती HTTP दरखास्तें हासिल करने के लिए अकाउंट का इस्तेमाल कर सकता है। मजमूई तौर पर गूगल ने इसे जिम्मेदारी से खतरात की इतला देने के लिए $1,07,500 का इनाम दिया। मजीद मालूमात दा पर असमों यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या समों वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना।